तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल एस के चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो फोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीवो के फोन में आईफोन डार्क थीम्स को कैसे अप्लाई कर सकते हो, आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। क्योंकि काफी सारी यार कमेंट्स है मेरे पास आती रहती है कि आईफोन की जो न्यू वाली डार्क थीम है उसे वीवो के डिवाइस में कैसे अप्लाई करें। तो फाइनली आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि iOS की नई वाली जो थीम है उसे आप वीवो के किसी भी डिवाइस में कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो यार वीडियो को जो है स्किप मत करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर पाए। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो है थीम्स का रिव्यू करा देता हूँ। तो यार देखिए, थीम्स जो है वो कुछ इस तरीके की होने वाली है, मैं अप्लाई करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सारा कुछ इसमें आपको नया मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फ्रंट लुक जो है वो आपको कुछ इस टाइप का मिल जाएगा, लेकिन इसमें जो आइकन है वो बिल्कुल ही नए मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आइकन जो है काफी ज्यादा कमाल के मिलेंगे और बिल्कुल न्यू आइकन आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि काफी अच्छा लुक आपके फोन को देने वाले हैं। तो यहाँ पे आइकन वगैरह जो है कुछ इस तरीके के आपको देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं कितने प्यारे आइकन देखने में लग रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करें हम इसके बैटरी वगैरह की, तो बैटरी वगैरह कुछ इस टाइप की मिलती है। और अगर आइकन की बात करें तो आइकन गाइज आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के आइकन आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छा लुक आपके फोन को दे रहे हैं। और जो iOS के नए वाले आइकन है वो आइकन आपको देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आपके फोन को यहाँ पे मिल रहा है। और डार्क आइकन मिलते हैं यहाँ पे नए वाले iOS के जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। और इसमें सारी चीजें जो है वो काफी कमाल की हैं। बैटरी कुछ इस तरीके की मिल जाती है गाइज। और नोटिफिकेशन पैनल में कुछ इस तरीके का वॉलपेपर मिल जाता है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो नोटिफिकेशन पैनल में आपको कुछ इस तरीके का वॉलपेपर देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा लुक आपके फोन को दे देता है। इसके साथ ही अगर बात करें हम इसके शॉर्टकट सेंटर्स की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है फुल ब्लैक नोटिफिकेशन पैनल जो कि काफी अच्छा लुक आपके फोन को दे रहा है। हाल ही में इसके साथ अगर बात करें हम इसके फोन की सेटिंग्स की, तो वो आपको फुल डार्क मिलने वाली है। तो मैं सेटिंग्स आपको दिखा देता हूँ। तो फोन की सेटिंग्स जो है वो भी काफी कमाल की iOS वाली मिल जाती है न्यू, कि बहुत ही बेहतर लग रही है देखने में गाइस। जिसके साथ अगर बात करें हम इसके और चीजों के बारे में, जैसे कि इसके डायलर के बारे में, तो डायलर यार काफी इस टाइप का मिल जाएगा जो कि काफी ज्यादा बेहतर लग रहा है। और बात करें हम इसके व्हाट्सएप के बारे में, तो यार यहाँ पे व्हाट्सएप भी जो है आपका फुल डार्क हो जाता है। काफी कमाल का व्हाट्सएप लगता है, देख सकते हैं कितना प्यारा जो है व्हाट्सएप वगैरह सारा कुछ आपका डार्क हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी चैट वगैरह अगर करते हो तो यहाँ पे भी आपको फुल डार्क देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ इस तरीके का लुक आपको मिल जाता है। सारी चीजें यहाँ पे आपको डार्क टाइप मिलती है। इंस्टाग्राम डार्क मिलता है, वो आप चेक कर लेना, मैंने चेक नहीं किया तो इंस्टाग्राम में आपको शायद डार्क में नहीं मिलता है। इसके साथ और भी काफी सारी चीजें डार्क हैं, जैसे कि इसकी फोन की एल्बम हो गई गाइज, और फाइल मैनेजर वगैरह वो तो सारे डायरेक्ट हो ही जाते हैं डार्क। आप देख सकते हैं कि सारी चीजें यहाँ पे डार्क आपको देखने को मिल जाती हैं, चाहे वो आपका वीडियो प्लेयर वगैरह हो, तो यहाँ पे वीडियो प्लेयर में आपको डार्क मोड नहीं मिलता है। और भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें आपको डार्क मोड बहुत ही अच्छे से वर्किंग करता हुआ नजर आएगा। अब मेन बात करते हैं गाइज इसकी लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन जो है वो यार काफी ज्यादा कमाल की है। और लॉक स्क्रीन में आपको दिखाऊं तो कुछ इस टाइप की आपको लॉक स्क्रीन मिल जाती है। अगर आप इस टाइप से स्वाइप करते हो गाइस, तो वॉलपेपर भी आप चेंज कर पाओगे इस टाइप से। तो मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे वॉलपेपर चेंज करके, देख सकते हैं कुछ इस टाइप से अगर आप करते हो तो वॉलपेपर भी अगर चेंज कर पाओगे बहुत ही अच्छे से। आप देख सकते हैं कि कितने प्यारा लुक आपके फोन को यहाँ मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके का लुक आपको यहाँ मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे आपको एक चार्जिंग एनिमेशन भी देखने को मिल जाता है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ फिलहाल चार्जर कनेक्ट करके। तो चलिए मैं चार्जर कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो चार्जर कनेक्ट करने के बाद में गाइस यहाँ पे कुछ इस टाइप का चार्जिंग एनिमेशन भी मिल जाता है जो कि काफी अच्छा लुक आपके फोन को यहाँ पे दे रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आपके फोन को यहाँ मिल रहा है। तो मैं इसको हटाने की कोशिश करता हूँ लेकिन यहाँ हटा नहीं पा रहा हूँ इसको। तो चार्जिंग एनिमेशन पे कुछ इस तरीके का लुक आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे और देख सकते हैं कि
कुछ इस तरीके का ही लुक मिल जाता है यहाँ पे, कितना गजब का लुक लग रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं गाइज इसको आप अपने व्यू के किसी भी डिवाइस में कैसे अप्लाई करोगे। उसके लिए गाइज आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको थीम्स को डाउनलोड करना है और अप्लाई कर लेना। अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे दिया है, उसे देख के आप बहुत ही इजीली डाउनलोड कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, सारा कुछ मैंने आपको उसमें बता दिया। उसे देख के आप बहुत ही आसानी से थीम्स को यूज कर पाओगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।